हेलो फ्रेंड्स, आज का जो 3D लोगो बनाने के लिए हम एक नेट तैयार करेंगे। उसके लिए पॉलीगन टूल ले लो, यहाँ से उसकी 6 साइड कर लो, फिर आपको ये ऐसे एक 6 साइड हेक्सागन बना लेना है। थोड़ी सी विड्थ दे देनी है आपको और आपको ये जो पेन टूल है, आउटलाइन पेन है, जो इसकी जो साइड है इसकी शार्प कर देनी है। फिर यहाँ से पकड़ के एक कॉपी बना के यहाँ पे प्लेस कर दो। अब ऐसे ही कंट्रोल डी प्रेस करके इसको रिपीट कर दो। सारे को सेलेक्ट करने के बाद इस एज से पकड़ के, ऊपर वाले इस एज से पकड़ के यहाँ पे इसकी एक कॉपी माउस का राइट क्लिक करके रख दो। अब इसकी सारे की फिर कॉपी बनानी है, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे रखनी है। तो कंट्रोल डी करके इस प्रोसेस को रिपीट कर दो। सारे को सिलेक्ट करने के बाद इसको आपको वेल्ड भी करना है। थोड़ा सा साइज छोटा कर लो ताकि पेज के ऊपर फिट आए। अब लाइन थोड़ी ज़रा मोटी हो गई है तो यहाँ से थोड़ी सी विड्थ कम कर लो। इसको कन्वर्ट कर लो, ये जो आउटलाइन है इसको शेप में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमको आगे कलर भी फिल करना है। यहाँ से आपको इसको कंबाइन कर लो, कंबाइन नहीं करना, आपको वेल्ड करना है। हाँ, वेल्ड करने से कलर इसमें चेक कर लेना, आपको भी कलर फिल हो रहे हैं। ऐसे एक सर्कल बना लो, सर्कल की एक कॉपी करके पहले तो ये वाला सर्कल इसके ऊपर एडजस्ट करो। उसके बाद हमें लेंस टूल यूज करना है। इफेक्ट में जाके यहाँ से आप लेंस को ऑन कर लो, मेरे यहाँ पे पहले से ही ऑन है। तो यहाँ से आपको फिश आई इफेक्ट लगाना है। कुछ ऐसा हो जाएगा, फ्रीज करने के बाद इसको आप मूव कर लो तो उसके अंदर ही रहेगा। देखिए ऊपर वाला नेट रेडी हो गया है। इसकी एक कॉपी भी बनानी है। पहले तो देखो कलर चेंज हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा ना, तो इसको पहले अनग्रुप कर लो। अनग्रुप करने के बाद क्या होगा, ये वाला अलग हो जाएगा पीस और ये वाला अलग हो जाएगा। इसमें कलर चेंज करके देखो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो आप पहले ही इसमें इंट्रैक्टिव फिल करके इसको एक मेटेलिक शेड दे दो। मेरे पास यहाँ पे कुछ रेडीमेड बनी पड़ी हैं, आप चाहो तो आप अपनी बना सकते हो। जैसे ये वाली, हाँ ये वाली लगा के देख लेते हैं। इसको मैं लीनियर में ही रखूँगा, कलर थोड़ा सा डार्क दे देता हूँ। चलो ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन रेडी हो गया है। अब इसकी एक कॉपी और बना लेनी है। जो बाद वाली कॉपी है इसमें आप ब्लैक कलर फिल कर दो, क्योंकि हमें बिल्कुल स्फीयर दिखाना है। इसको इसके ऊपर प्लेस करके देखो, इसको थोड़ा सा हम रोटेट कर लेंगे क्योंकि हमने उसी की कॉपी बना रखी है। तो अगर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो पीछे वाला दिखेगा नहीं। थोड़ा सा घुमाने के बाद इसके ऊपर प्लेस करोगे तो आपको पीछे वाला ब्लैक वाला और आगे जो हमने मेटालिक बनाया है दोनों ही नेट दिखेंगे। अब ये ठीक है बिल्कुल। अब जो हमने इसके अंदर सर्कल बनाना है ना, चलो CE प्रेस करके सेंटर करके पहले ग्रुप बना लो। इसको शिफ्ट प्रेस करके कॉर्नर से थोड़ा सा छोटा कर लेना है। उसके बाद जो भी कलर का आपको स्फीयर बनाना है उस फिल कर दो। जैसे मैं ये डार्क ब्लू कर रहा हूँ। अब इसको शाइनिंग लुक देने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ शेप बनाएंगे। तो पेन टूल से क्योंकि कोरल ड्रा में शाइनिंग का कोई पर्टिकुलर टूल तो है नहीं, तो इसके लिए आर्टिफिशियल शाइनिंग
तैयार करना पड़ता है, इनको कन्वर्ट टू करके ऐसे राउंड शेप दे दो। बस थोड़ा सा इसको मूव करना है, यहाँ से जो एज शार्प दिख रहे हैं उसको हल्का सा गोल कर दो दोनों तरफ से। बनने के बाद वाइट कलर फिल कर दो। अब इतना वाइट तो शाइनिंग दिखना चाहिए नहीं, तो उसके लिए आप ट्रांसपेरेंसी टूल यूज़ करोगे। बस इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि एक तरफ से थोड़ा लाइट दिखे, एक तरफ से थोड़ा डार्क दिखे। जैसे ऊपर वाला एज अभी भी डार्क लग रहा है तो इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर देना, वो भी लाइट हो जाएगा। अब दूसरी तरफ भी एक शेप बनाएंगे सेम ऐसे पेन टूल से। इनको भी आपको इसको भी कन्वर्ट टू कर्व करके थोड़ा राउंड कर लो। ऊपर से थोड़ी बड़ी और नीचे से थोड़ी सी पतली शेप चाहिए, हल्की सी यहां से राउंड कर देना है। ठीक है, इसमें वाइट कलर फिल करेंगे। अब इसको भी सेम ऐसे ही कलर से मैच करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से इसको आप राउंड कर लो। सेटिंग आपको बस इस हिसाब से करनी कि थोड़ा सा ब्लू कलर उसके ऊपर भी राउंड में दिखे। चलो ये वाला ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे करके ब्लू को थोड़ा सा ऊपर कर देना है। ये ठीक है। अब इसके अंदर भी हल्की सी हमें शाइनिंग चाहिए, तो एक सर्कल बना लो वो भी व्हाइट कलर का। इसको क्या करना कि ब्लर कर देना है, तो यहां से आप ब्लर का इफेक्ट लगा दो गाशियन ब्लर में। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ा सकते हो बढ़ा दो, हमें तो सिर्फ उसकी हल्की सी लाइट ही चाहिए। ये ठीक है। और एक शाइनिंग इस तरह भी बनाएंगे डुप्लीकेट सेम वैसे ही पेन टूल से। पहले आप रफ ड्रा कर लो, लाइन आपस में जुड़नी चाहिए तभी कलर फिल होगा। बस वैसे ही कन्वर्ट टू कर्व किया और इसको राउंड कर दो। यहां से थोड़ा सा छोटा साइज कर दो, कलर इसमें भी वाइट ही रखना है। अब ये ज्यादा वाइट है, ट्रांसपेरेंसी टूल से इसको 50% ट्रांसपेरेंट कर देना, तो ये बिल्कुल ठीक है। हल्का सा ऊपर हमें एक और ब्लैक कलर का होल बनाना है डार्कनेस दिखाने के लिए, तो इसको अगर रखेंगे तो ये बिल्कुल स्पॉट दिखेगा, तो उसको भी ब्लर कर देना है। इसको ज़्यादा ब्लर नहीं करना है, बस इतना सा ही स्पॉट दिखे, थोड़ा सा बड़ा कर लो और इसको इसके अंदर फिट कर देना है। तो पावर क्लिप में जाके प्लेस इनसाइड करके इसके अंदर फिट कर देना, ताकि इसकी जो ब्लैक है ना वो सर्कल के बाहर ना दिखे। एक वाइट और लगा लो, इसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर देना है ट्रांसपेरेंसी टूल यूज करके ना।
ऊपर से नीचे तक ऐसे इसको एक तरफ से डार्क एक तरफ से लाइट करके बना लो। बस अपनी बॉल तो रेडी हो गई है। अब ये जो सर्कल बनाया इसके चारों तरफ थोड़ी डार्क से देनी है, उसके लिए शैडो टूल यूज़ करेंगे। इसमें इनर एज के ऊपर टिक करके हल्का सा अंदर को डार्क हो जाएगा। यहाँ से उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दो और यहाँ से उसका फिदर वैल्यू बढ़ा दो। तो देखिए हमारी शाइनिंग बॉल रेडी हो गई है। अब इसकी कॉपी इसके अंदर प्लेस करनी है। पहले ऊपर वाला उठा के यहाँ पे रख लो, कलर चेंज करके देख लो पहले आप इसका। हाँ हो रहा है, ठीक है। अब जब दोनों के बीच में रखेंगे स्फीयर के अंदर, तो इसके ऊपर उसका शेडो भी तो आएगा। उसके लिए हमें इसकी कॉपी बना के थोड़ी सी ब्लर कर देनी है और इसको भी इसके ऊपर प्लेस कर देना है। देखिए इसको मैं फ्रंट पे ही है जी, तो यहाँ पे टिक किया पावर क्लिप प्लेस इनसाइड, तो इसके अंदर प्लेस हो गया। इसकी पोजीशन सेम टू सेम ऊपर वाले जैसी नहीं होनी चाहिए। अब जब इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो इसको आप थोड़ा सा मूव करके सेंटर में ले लो। अब ये जो शाइनिंग वाली हमने नेट बनाया था इसको टू फ्रंट करके आगे ले आओ, तो अब आपको लगने लगेगा कि जैसे हमारी जो बॉल है ना वो स्फीयर के अंदर पड़ी है। बस यही हमें इसका रेडी करना था। बैकग्राउंड बनाने के लिए कोई भी एक बॉक्स बनाओ, उसमें कोई कलर दे दो, उस कलर को उसको राइट क्लिक करके ऑर्डर पे जाके टू बैक ऑफ पेज कर दो। अब पीछे करने से क्या हुआ कि जो हमने स्फीयर बनाया था उसमें वाइट कलर शो होने लगा, जबकि नेट है इसके तो जो कलर है पीछे तक दिखना चाहिए। तो अब इसकी सेटिंग करते हैं। पहले जो ऊपर वाला बनाया था पोर्शन, और इनको कंट्रोल आर प्रेस करके बाहर को निकाल लो, और ये जो बनाया हुआ ना इसको भी आप अलग करके देखो पहले, अगर नहीं होगा। हाँ ये अलग ही है, इसको भी बाहर निकाल लेंगे। ये तो ऑलरेडी ब्रेक है, इसमें आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कन्वर्ट टू कर्व नहीं होगा ये, इसको हल्का सा बाहर मूव करके देखते हैं। तो देखिए ये बाहर आ गया, जो पीछे वाला वाइट कलर है उसको आप चाहे डिलीट कर दो। कंट्रोल आर प्रेस के उनको इकट्ठा कर लिया, इसको डिलीट किया, इन सारे को फिर सेलेक्ट करके मैं ऊपर ले आऊंगा। ग्रुप करके मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो देखिए जो स्फीयर बना है उसके पीछे वाली बैकग्राउंड रेड दिखने लगी है, उसमें कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा डार्क हो गया है। लाइट डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन लगा के देख लेते हैं, ये भी ठीक लग रहा है। एक स्फीयर की कॉपी बना लेनी है। शिफ्ट प्रेस करके माउस का राइट क्लिक कर दो, उसकी एक कॉपी हो जाएगी। और जो अंदर वाला स्फीयर बनाया हुआ है उसका कलर चेंज कर देंगे। एडजस्टमेंट वाली कमांड नहीं चल रही, फ्लैटन करेंगे, फ्लैटन इफेक्ट करेंगे,
तो उसकी एडजस्टमेंट ऑन हो जाएगी। यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन पे गए और उसका कलर चेंज कर लेना जो भी आपको ठीक लगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।